जो चीजें शुद्ध होती है उनकी डेफिनेशन अलग होती है like, लाइक आपके लिए प्योर सब्सटेंस क्या है जैसे मतलब अगर मैं बोलूँ की प्योर मिल्क क्या होता, तो milk milk होता। तो है तो प्योर मिल्क ऐसा मिल्क होता है जैसे आजकल तो कई जो मार्केट में चीजें भी आती हैं तो उसमें प्योर का टैग लगा होता है ओके सो दे स्पेसिफिकली मेंशन द वर्ड प्योर अब जैसे आपके लिए प्योर दूध क्या होगा ऐसा दूध जिसमें पानी ना मिला हो तो अकॉर्डिंग टू यू अगर किसी चीज में अडल्ट्रेशन नहीं हो रही है

नमकीन होती है अपने नमकीन को ही आप लोग रियल लाइफ में मिक्सचर बोलते हो तो को किस लिए बोलते हैं अब उसमें क्या है कि जो दुकान वाला आपको मिक्सचर देता है तो गिन के नहीं देता कि इसमें इतनी मूंगफली होंगी इतने मटर के दाने होंगे है ना वो गिन के नहीं देता वो एक रैंडम सेट होता है इट्स नॉट फिक्स्ड बट अगर आप वाटर को ऐसा वाटर को देखो तो वाटर में फिक्स है इट विल ऑलवेज हैव टू एटम्स ऑफ ऑफ हाइड्रोजन एंड वन एटम ऑक्सीजन ओके सो दैट थिंग इज क्वाइट फिक्स्ड इन नेचर राइट सो ये डेफिनेशन थी प्योर सब्सटेंस की तो प्योर सब्सटेंस क्या है प्योर सब्सटेंस इज अब्सटेंस विच कंटेन सेम काइंड ऑफ आइटम्स लाइक गोल्ड बार लाइक वाटर लाइक सोडियम क्लोराइड राइट एंड मिक्सचर में क्या है इट कंटेन्स डिफरेंट काइंड ऑफ सब्सटेंसेस एंड नॉट इन अ फिक्सड रेशियो राइट तो दिस इज वॉट वी नीड टू लर्न सो और जो मिक्सचर भी है वो दो टाइप का हो सकता है होमो और हेट्रो होमो का मतलब होता है सेम ओके वॉट इज द मीनिंग ऑफ होमो होमो का मीनिंग होता है सेम और हेटरो का मतलब क्या होता है मिक्सड ओके फॉर एग्जांपल जैसे यूनाइटेड किंगडम की बात की जाए तो वहां के सब लोग इंग्लिश बोलते हैं मोस्टली वो लोग क्रिस्टानिटी फॉलो करते हैं कोट टाई लगाते हैं राइट और और टेम्परेचर भी वहां का एकदम पूरे लाइक यूनाइटेड किंगडम का लगभग सेम ही टेम्परेचर रहता है है ना मतलब ऐसा और जो जियोग्राफिकल वेरिएशन है वो भी सेम है तो हम बोल सकते हैं कि जो यूनाइटेड किंगडम में वहां की पॉपुलेशन जो है वहां का जो वो क्या है वो होमोजिनस है सब लोग सेम लैंग्वेज बोलते हैं मोस्टली सेम रिलीजन फॉलो करते हैं बट इफ यू टॉक अबाउट इंडिया सो इंडिया में क्या है नहीं अब जैसे यहाँ पे सपोज आई इंदौर है ना पे यहां पे भाषा अलग है यहाँ पे खाने पीने का तरीका अलग है लोगों का देन आई गो टू गुजरात एवरीथिंग चेंजेस द लैंग्वेज द कल्चर द अटार ओके देन व्हेन आई मूव टू महाराष्ट्र थिंग्स चेंजेस व्हेन आई गो टू साउथ इंडिया देन अगेन है ना सो so, दिस पॉपुलेशन है ना यहाँ आप देख रहे हो कि जम्मू कश्मीर में बर्फ पड़ रही है राजस्थान में रेगिस्तान है है ना वहां पे क्या बोलते हैं थर्ड एजर्ट है नॉर्थ ईस्ट में एकदम, एकदम क्लियर है तो देर आर सो तो मेनी तो हमारा क्या है पॉपुलेशन है ठीक है सो दैट इज समिंग यू रिमेम्बर तो सिमिलरली अगर आप सॉल्ट वाटर को देखो तो सॉल्ट वाटर जो है इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस सोल्यूशन ओके होमोजीनियस सोल्यूशन की क्या खासियत होती है उनका यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है थ्रू आउट ओके थ्रू आउट यू हैव होमोजेनियस कंपोजिशन राइट सो दैट पार्ट यू हैव टू रिमेंबर हैली राइट सो और क्या है कि इसमें आपको ना सपोज करो मैं वाटर लेता हूं और उसको मतलब उसमें नमक डालता तो, हूँ तो नमक क्या है कम मात्रा में प्रेजेंट है सो दैट विल बी नोन एज सोल्यूड ओके एंड वाटर इज प्रेजेंट इन मेजोरिटी दैट इज नोन एज सॉल्वेंट, ओके सो इसी तरह से जो होमोजिनियस सोल्यूशन होता है उसमें सोल्यूट विजिबल नहीं होता जैसे नमक एक बार आपने पानी में घोल दिया तो नमक विजिबल नहीं होता है सोल्यूशन एज अल नॉट बी विजिबल एनी मोर सो दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ अ होमोजीनियस मिक्सर राइट और दूसरा क्या यूनिफॉर्म कम्पोजिशन रहता है अब मान लो आपने किसी में नमक डाल दिया है ना नमक नमक का सोलूशन में ही नमक मतलब आपको नमक ने पानी में भी डाल दिया आपने है ना तब आप कहीं से भी नमक कहीं से भी उसका सॉल्ट सोल्यूशन निकालो द ऑफ सॉल्ट विल बी सेम ऐसा नहीं होगा अगर आप बॉटम से निकालोगे तो सॉल्ट ज्यादा आएगी ऊपर से निकालोगे तो सॉल्ट कम आएगी नो इट आएंगे यूनिफॉर्म कम्पोजिशन ओके इफ यू टॉक लाइक पनीर की सब्जी की बात किया जाए है ना तो पनीर की सब्जी में क्या पनीर नीचे सड़ल डाउन हो जाएगा राइट right? सो so आप ऊपर से निकालोगे तो यू विल नॉट गेट एनी पनीर बट वेन यू गो एंड डीप डीप लाइक डाइव डीपर इन टू द बॉटम देन यू विल फाइंड सो मेनी पीसेस ओके, okay? so, वो, किसकी? वो नहीं है। उसको नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन कम्पोजिशन होमोजीनियस मिक्सर एंड हाइड्रोजीनियस मिक्सचर राइट सो आप एग्जाम्पल देख सकते होमोजीनियस के लेमिनेट हो गया सोल्ट सोल्यूशन हो गया शुगर सोल्यूशन सॉफ्ट ड्रिंक राइट अब एलॉयज भी क्या है होमोजिनियस मिक्सर टू और मोर सब्सटेंसेस का

एंड में ऑलो कंटेन्स डिफरेंट एम बट कम्पाउंड में क्या है प्रपोर्शन इज फिक्स इट इज डेफिनेट बट दैट विल नॉट है जो मेटल और नॉन मेटल के कॉम्पोजिशन से बनता है क्या क्या एकमात्र एलर है जो मेटल और नॉन मिटल के कॉम्पोजिशन से बनती है नहीं नहीं ऐसे बहुत सारे अलॉस हैं

जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो क्या होता है डिहाइड्रेटिंग इन नेचर होता है ओके सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है डिहाइड्रेटिंग इन नेचर मतलब वो क्या कर देता है वाटर खींच लेता है अब आपको पता है शुगर का फॉर्मुला क्या है C12H22O11 होता है तो उसमें कार्बन है हाइड्रोजन है और क्या है ऑक्सीजन है राइट तो जैसे ही आप उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालोगे तो ऑब्वियसली बात है जो सल्फ्यूरिक एसिड है हाइड्रोजन और वाटर क्या कर लेगा खींच लेगा तो बचेगा क्या कार्बन तो यहां पे आप दो एक्सपेरिमेंट देख रहे हो पहले में क्या है उन्होंने कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड लिया है ओके तो इन दिस वेट इन दिस यू हो सो हेयर यू सी हैव टेकन कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड ऑन द अदर साइड इज ऑन द राइट साइड तो देखो कॉन्सेंट्रेट कितना जल्दी रियाड कर रहा है और देखो इधर जो डायल्यूट साइड है वहां पर कुछ रिएक्शन आपको देखने को भी नहीं मिल रहा है ठीक है ओके okay. फिर क्या होते थी? तीन टाइप के सॉल्यूशन होते हैं है ना सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड अब इसको कैसे समझ सकते हैं सैच देखो मान लो लेट अस टेक सम एग्जांपल कि कोई सब्सटेंस है एक्स है ना देयर इज सब्सटेंस एक्स और वो क्या है कि फाइव ग्राम डिसॉल्व वो सिर्फ उसकी जो सॉल्युबिलिटी है सिर्फ 5 ग्राम है पर 100 ml है ना और लेट अस अज्यूम कि ये जितने भी, भी बीकर्स हैं ना

सो so स्टिल इसमें एक ग्राम और डिजोल्व हो सकता है क्योंकि सोलिबिलिटी क्या है एक्स की दैट इज फाइव ग्राम राइट सो यहाँ पे क्योंकि एक ग्राम और डिजोल्व हो सकता है देर इज द स्कोप ऑफ मोर सोल्यूट गेटिंग डिजोल्व है ना यहाँ पे स्कोप है ज्यादा सोल्यूट के डिजोल्व होने की राइट सो दिस बिकम्स अनसेड सोल्यूशन ओके सो वॉट इज एन अनसेटेड सोल्यूशन सोल्यूशन वेर मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व अब मान लो मैं एग्जैक्टली exactly फाइव ही डाल दू इसमें क्या होगा सारे हो जाएंगे। बट दू कैट एड अब और इसमें कुछ डालोगे तो सॉलेबल नहीं होगा बिकॉज सोल्यूशन क्या हो गया है सैचुरेटेड हो चुका है ठीक है ना और अगला केस क्या है उसमें आपने सिक्स ग्राम ले लिया अब सिक्स ग्राम में क्या होगा फाइव ग्राम तो डिजोल्व हो जाएगा बट एक ग्राम जो है आपका सब्सटेंस का वो डिजोल्व

ओके okay, इन 90 ml वाटर है ना तो हम ग्लूकोस का परसेंटेज पता कर सकते हैं uh, क्या बोला मैंने आई हैव टेकन 10 ml ऑफ ग्लूकोस इन 90 ml ऑफ वाटर राइट सो इसमें बोलेंगे कि ग्लूकोस का परसेंटेज क्या है है ना तो आप बोलोगे कि भाई सॉल्यूट बाय सॉल्वेंट सॉल्वेंट क्या है 10 90 एंड देन यू विल मेक इट इनटू 100 ओके सो यू गेट 10% सो so ऐसा क्वेश्चन आएगा सो यू कैन ट्राई सॉल्व दैट ठीक है ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं सीरियस एनडी एग्जामिनेशन में राइट right? नाउ फिर एक और आसान सी चीज आती है फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस तो फिजिकल चेंजेस बेसिकली कहीं भी आपको ऐसे वर्ड्स दिखे मेल्टिंग फ्रीजिंग कंडेंसिंग ब्रेकिंग क्रशिंग कटिंग बेंडिंग as a words इंडिकेशन ही होते किसके की फिजिकल चेंज होती है फिजिकल चेंज क्या रिवर्सिबल होती है टेंपरेरी होती है फॉर एग्जांपल मैं पेपर फाड़ दूं है ना पेपर फाड़ देना इज अ फिजिकल चेंज ओके क्योंकि पेपर फाड़ने के बाद कोई नई चीज नहीं बनी है फिजिकल चेंज की खासियत क्या होती है नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म बस ट्रांसफॉर्मेशन होता है कोई नई चीज नहीं बनती लाइक द मेल्टिंग ऑफ आइस है ना वेन यू मेल्ट आइस सो वेन यू मेल्ट आइस यू गेट वॉटर बट अगेन यू फ्रीज वॉटर यू गेट बैक द आइस ओके सो इट इज रिवर्सिबल इट इज टेम्पररी ओके एंड नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म वो अभी भी वॉटर है आइस भी वाटर आइस का फॉर्मुला भी एच टू है वॉटर का फॉर्मुला भी एच टू है

ये जो ट्रू सोल्यूशन है किसके हिसाब से है ये सोल्यूट पार्टिकल के साइज के हिसाब से है ओके 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 या सो ट्रू सोल्यूशन कोलोइड सस्पेंशन दिस आर थ्री टाइप्स ऑफ सोल्यूशन एंड इनका डिफरेंस क्या होता है बेसिकली डिफरेंस इनका होता है सोल्यूट uh, पार्टिकल सबसे जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो आपको नेके टाइप से भी नहीं दिखेंगे वो होते हैं ट्रू सोलूशन लाइक सोल्ट सोल्यूशन सोल्यूशन कोल्ड ड्रिंक लेमेड ओके देन क्या है कि आपको आंखों से तो नहीं दिखेंगे बट यू कैन सी दैट अंडर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप राइट अल्ट्राम के आपको आंखों से दिख जाएंगे जैसे सैंड सोल्यूशन सॉइल सोल्यूशन चौकिक पाउडर ओके सो इनका डिफरेंस आपको पता होना जरूरी है कि पार्टिकल साइज है नेचर क्या होता है ट्रू सॉल्यूशन होमोजीनियस होता है ओके जो कोलाइडल सोल्यूशन है वो अपियर इट अपियर्स टू बी होमोजीनियस बट इट इज हाइड्रोजीनियस और सस्पेंशन क्या हाइड्रोजीनियस होता ही है ठीक है ना बाकी क्या है देखो इसमें क्या होता है कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं इसमें पार्टिकल्स दे स्कैटर लाइट एंड यू सी द बीम ऑफ लाइट दैट इज नोन एज टिंडल इफेक्ट इसके पार्टिकल्स ब्रॉनियन मोशन करते रहते हैं दे आर मूविंग कंटिन्यूअसली इन अ रैंडम डायरेक्शन एंड जिक ओके ओके और सस्पेंशन क्या है ओके okay. सो so, uh, मेरे दोस्त भी है ओके हम्म सस्पेंशन में क्या होता है कि पार्टिकल्स जब तक घूम रहे तब तक तो वो लाइट को स्कैटर करके टिंडल इफेक्ट शो करते हैं बट जब पार्टिकल ग्रेविटी के अंडर सेटल हो जाते हैं तब वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते तो ये डिफरेंस आपको थोड़ा प्रॉपरली ध्यान रखना पड़ेगा ठीक है बाकी क्या है क्लोर सोल्यूशन uh, के कई क्लासिफिकेशन भी होते हैं फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो डस्ट पार्टिकल्स इन एयर है तो यहाँ पे वो भी एक कोलोर सोल्यूशन है तो जस्ट पार्टिकल को हम लोग बोलते हैं डिस्पर्स फेस और जो पूरा एयर है वो क्या बन जाता है मीडियम बन जाता है इस तरह कई टाइप के पार्टिकल हो सकते हैं फॉर एग्जाम्पल इमल्शन इमल्शन किसका एग्जाम्पल होता है लिक्विड इन लिक्विड का फॉर एग्जाम्पल मिल्क तो मिल्क क्या है एक इमल्शन है जिसमें जिसमें क्या है फैट मतलब फैट भी लिक्विड होता है और वाटर भी लिक्विड होता है तो इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ फैट इन वॉटर और ऑयल इन वॉटर दैट इज केस ऑफ मिल्क घी भी क्या है इमलशन है राइट सो लाइक दिस यू शुड नो एग्जाम्पल ऑफ एवरी थिंग मैंने टेबल दे रही है सोल क्या होता है सॉलिड सोल क्या होता है इमल्शन क्या होता है जल क्या होता है फोम क्या होता है तो ऑल दिस थिंग शुड बी देयर ओके सो देर आर एट केसेस गैस इंड गैस क्या होमोजिनियस मिक्सर होता है इस चक्कर में उसको हमने क्या है क्लोइड की कैटेगरी में नहीं रखा है

होता है okay? है क्या ना? नेक्स्ट ना सस्पेंशन के जब तक ये देखो आपको थोड़े थोड़े छोटे छोटे पार्टिकल्स पे दिख रहे होंगे जब तक पार्टिकल्स जो है घूम रहे हैं बट जैसे ही पार्टिकल सेटल ड्राउन होते हैं इफेक्ट जो, जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा राइट सो टू रिमेंबर राइट और इसी तरह से जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं

पार्टिकल्स इवन आप एक अगरबत्ती भी जला लोगे ना अगरबत्ती जला के आप एक लेजर मारोगे तो जो धुआं है जो जो, जो पार्ट ऑफ धुआं लेजर से टकराएगा ना तो दैट यू सी उसका पाथ जो है इट तो विल ग्लो है ना तो दैट इज द मैजिक ऑफ टिंडल इफेक्ट राइट नेक्स्ट क्या है कि ये जो मिक्सचर इनको सेपरेशन करने के तरीके भी होते हैं कहे जैसे पहला होता है इवेपोरेशन अब इवेपोरेशन में क्या होता है जो नॉन वोलोटाइल चीज होती है है ना वो तो नहीं उड़ती बाकी वाटर बिंग वोटाइल वो इवेपरेट हो जाता है लाइक नॉन सब्सटेंस दैट इज एग्जांपल ऑफ ओके जो सॉल्ट होता है सी सी वाटर से जो हम लोग सॉल्ट ऑब्टेन करते हैं वो इवेपोरेशन के थ्रू ही करते हैं ठीक है ना सनलाइट उन पर पड़ती है तो जो वाटर है वो तो इवेपोरेट कर जाता है बट सॉल्ट जो है सॉल्ट आसानी से इवेपरेट करता नहीं सनलाइट में तो वो क्या है वो वो रह जाता है

न एन यू वन टेल वॉट इज द लाइफ साइकिल ऑफ आरबीसी यहाँ बायो का क्वेश्चन है but try to ना लाइफ साइकिल कितनी होती है आरबीसी की मैग्नेटिक सेन लाइक सल्फर और आयरन फाइलिंग है तो वेन यून पुट मैग्नेट क्या है, like iron है. So magnets, तो है जो आयरन है आपको सेपरेट हो जाएगा किससे आपके सल्फर से ओके वेरी गुड तो शार्वेंटी होता है, 120 days होता है. राइट right? क्रोमा Chroma का मतलब होता है कलर ग्राफी का मतलब होता है है सेपरेशन या मेजरमेंट ठीक ना आपके पास कोई एक ब्लैक कि किस -किस so so अपने अपने कॉम्पोरेंट्स में क्या हो जाएगा सेपरेट हो जाएगा ठीक सो दैट पार्ट यू हैव टू टेक केयर क्रोमेटोग्राफी के एप्लीकेशन भी आप लोग देख लीजे. है ना वो क्या क्या एप्लीकेशन है उसके जैसे मतलब Uh, mm -hmm. जो ड्रग्स अगर आपके ब्लड में मिले हैं तो उसका भी क्रोमेटोग्राफी एनालिसिस से पता लग सकता है किसी एक फूड सब्सटेंस uh, का जो आपको एनालिसिस करना है न्यूट्रिशनल वैल्यू का है ना यू कैन टेस्ट द एयर आल्सो फॉर सैंपल्स ऑफ कलर्स ऑफ ए डाइट ऑल दिस थिंग्स कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ क्रोमेटोग्राफी देन क्रिस्टलाइजेशन किसी किसी भी सॉल्ट का आप एक हॉट कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन बना के यू अलाउ इट टू सेटल डाउन देन यू कैन ऑब्टेन प्योर क्रिस्टल्स ऑफ दैट राइट right? नेक्स्ट क्या है मिसिबल लिक्विड यस सर क्रोमेटोग्राफी बार फिर से बोल दीजिए समझ में नहीं आया ओके क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है यू टेक अ फिल्टर पेपर है ना यू पुट वाटर अब जो ब्लैक इंक या कोई भी इंक है या कोई भी डाई है उसमें वो जिस जिस कॉम्पोनेंट से बना है उसकी वाटर में सॉलिबिलिटी अलग अलग होगी

You can take a normal paper, also filter paper नहीं है तो, है तो ना ऐसे रेक्टेंगुलर फिल्टर पेपर ले लेना एक ऐसे पेंसिल स्टक करके उसको पानी में रख देना और ब्लैक इंक का मार्कर जब आप इसमें रख दोगे okay? जब आप ऐसे प्रॉपरली रख दोगे देन वॉट यू विल सी यू विल बी एबल टू सी द राइज है ना और उनका अपने अपने कॉम्पोडेंट सेपरेट समझ में आया आपको क्रोमेटोग्राफी ओके yes, yes, <coughs>

अब क्या हो देखो मान लो कोई दो लिक्विड है तो उसके साथ दो केसेस हो सकते हैं आइदर दे आर मिसिबल और दे आर नॉट मिसिबल नॉट मिसिबल में आप तो सेपरेटिंग फनल का इस्तेमाल करते जैसे ऑयल और वाटर तो ऑयल और वाटर क्या है आपस में मिक्स नहीं करते तो उनका सेपरेशन थोड़ा आसान होता है यू जस्ट ये जो मिक्सचर आप क्या करते हो You just, uh, uh, keep this mixture undisturbed, though, थोड़ी देर बाद क्या होता है ऑयल बींग लाइटर इट विल गो अपर्ड्स एंड वॉटर विल सेटल डाउनवर्ड्स और इस तरह से क्या होता है जो सपरेशन है वो हो जाती है ठीक है अब मान लो कोई दो लिक्विड ऐसे हैं जो मिसेबल uh, है जैसे अल्कोहल इन वाटर जैसे एसिटोन इन वाटर सो दे आर मिसेबल है ना एक दूसरे से आसानी से क्या हो जाता है ये मिक्स हो जाते हैं तो इनके मिक्स होने के चक्कर में क्या है यू कैन वेरी इजिली यू नॉट सेपरेट दम वेरी इजिली बट उसका भी एक आइडिया है दैट इज डिस्टिलेशन डिस्टिलेशन हम उनका कर सकते हैं ठीक है ना अब डिस्टिलेशन में क्या होता है फॉर लेट अस अज्यूम देखो मान लेते हैं कि एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज 56 डिग्री सेल्सियस और वाटर का यू ऑलरेडी नो दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस ठीक है सो जब आप इनका वो करोगे अभी तो ये क्योंकि मिक्सचर है

वाटर uh, का तो जब 56 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर पहुंचेगा तो जितना भी एसिटोन है वो सारा वेपोराइज होके कहा जाएगा इस कंडेंसर में जाएगा मतलब यहाँ तो टेम्परेचर गर्म था तो वो वेपर में ऐसे वेपर के फॉर्म में एस्केप किया बट यहाँ आते ही वो क्या हो जाएगा वो कंडेंस हो जाएगा ओके okay, क्योंकि यहाँ पे क्या आइस के क्यूब्स रखे होते हैं सो दे कंडेंस दो एसीटोन एंड इट्स इट्स इट गेट्स कलेक्ट देखो एसीटोन यहाँ पे कलेक्ट रहता है बाद में यहाँ जो बचा हुआ वाटर है आप चाहो तो वाटर का भी के भी वेट कर सकते हो कि हंड्रेड डिग्री सेल्सियस आए और वाटर भी जो है वो सेपरेट हो जाएगा तो बेसिकली डिस्टिलेशन ओके डिस्टिलेशन इज अ सेपरेशन टेक्निक वेयर इन वी डिफरेंस इन दर बॉलिंग पॉइंट ओके जब दोबल सब्सटेंस है वो अब भले आपस में अलग अलग है अब क्योंकि इनका पॉइंट अलग अलग है सो so, ये अलग अलग टेम्परेचर पे क्या होंगे इवेपरेट होंगे जैसे ही अपने अपने टेम्परेचर डिफरेंस के हिसाब से इवेपरेट होंगे यू कैन वेरी वेल कंडेंस डेम है ना आप उन्हें प्रॉपरली कंडेंस करके यू कैन कलेक्ट दिकर ठीक है ना तो so, ओके सो डिस्टिलेशन दो है दो टाइप का होता है ठीक है ना एक होता है सिंपल डिस्टिलेशन जैसे अभी ये जो एग्जाम्पल आपको दिया गया है ये क्या है ये क्योंकि इसमें एसिटोन और जो वाटर है इनके बीच क्या है मोर देन ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है बट जब ये डिफरेंस ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है तब यू गो फॉर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है ना तब आप क्या करते हो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को करते हो फॉर एग्जांपल जब आपको पेट्रोलियम और उनके प्रोडक्ट्स को सेपरेट करना होता है या एयर के कंपोनेंट को सेपरेट करना होता है तो इनके बीच जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस रहता है दैट इज लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस सो फॉर दैट यू गो फॉर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन दोनों ही कंपोनेंट में प्रिंसिपल सेम है बॉइलिंग पॉइंट अलग-अलग होते हैं ठीक है सो दैट पार्ट यू हैव टू टेक केयर राइट नाउ द नेक्स्ट थिंग इज सेपरेटिंग फनल है ना ये वही है ऑयल और वॉटर का ये सेपरेटिंग है यहाँ पे क्या एक नल टाइप का रहता है उसको स्टॉपकॉक बोलते हैं जैसे ही ऑयल और वॉटर अपना अपना लेवल बना लेते हैं तो आप क्या करते हो उसको सेपरेट कर लेते हो राइट सो नाउ आई एम जस्ट स्टार्टिंग द क्वेश्चन ओके आई जस्ट स्टार्ट द होल्ड ऑन Okay the poll has been launched okay so just answer your answer this question

ओके सो फाइनली हमने आज वो दिन अचीव कर लिया इस क्वेश्चन का सबने आप देख सकते हो आंसर डी ऑप्शन दिया है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन ऑल दी अब ओके सारे क्या है केमिकल चेंजेस हैं राइट सो दिस डे आई हैव बीन वेटिंग मुझे नहीं पता था कि आज इस क्लास में हम लोग को ये अचीव हो जाएगा ठीक है ना एंड टूडे द पार्टिसिपेशन परसेंटेज इज ऑल्सो वेरी गुड ओके लाइक ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एवरी क्लास आई सी रेयरलीट इज क्रॉसेंट तो गुड आज मतलब एकदम इंटेलेक्चुअल्स ने ही ज्वाइन करके रखा है लग रहा है ओके okay? चलो देखते हैं सेकेंड आप लोग हेट्रिक कर पाते नहीं कर पाते हो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन ओके तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी ग्रेइंग ऑफ हेयर नेचुरली राइट बाकी सब फिजिकल के एग्जांपल थे नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ओके सो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ओके मिल्क टर्निंग सार बिकॉज ऑफ द लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया वेयर इन द लैक्टो शुगर इन द मिल्क गेट्स कन्वर्टेड टू द लैक्टिक एसिड सो इट्स अ केमिकल रिएक्शन सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन राइट या नेक्स्ट आपके सामने फिर से आ गया है क्वेश्चन मी रिलॉन्च पोल yes <clears throat> so the correct answer is liquid suspended in a gas and a liquid here dispersed phase or gas gas dispersion medium oh yeah if you have not seen you can answer this question okay so boric acid the compound is like yes uh, in previous question the answer can you show yes so in the uh, pdf material ga, gas suspended in soil solid it, likewise it given in the material aerosol is example. sample yeah I mean, what is your question my question is I, I think d is the right answer not a uh, you are talking about aerosol. No, no, SL. that is gas suspended in uh, solid. solid. Solid becomes a dispersion medium. That will be solid sol. In in, in particular. Okay. Uh, okay, sir. But here, regarding to this question, the answer is really A or B. I am a little bit confused. Answer is A. Okay. Okay, sir. Right. Now yeah the the one who asked question he can also see look at this chart with examples okay Chalo. this is the next question again identify the correct one. So, except milk, uh, all are homogeneous here. So, option C is the correct option here, right? Then we go to the next question. okay so the correct option over here is ice right chalo natural gas wait 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 yeah Okay, the correct answer is option A that is mm -hmm. methane and higher hydrocarbons, right? Yeah, next question. <laughs>

Okay, the correct answer of this question is option D. Right? Here is the next question. करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन आपको सोल्यूट और सोलवेंट के मार्क्स को डिनोमिनेटर में डालना था सोल्यूट के मार्क्स को न्यूमिरेटर में डालना था राइट दैट वेल अटेन टेन परसेंट दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन so acetone and water they have difference in the boiling point so distillation is the correct answer for this okay now next question okay so the correct answer is a mixture of two invisible liquids okay like oil and water or kerosene and water can be separated by the help of a separating funnel right here is the next So, dispersed phase in smoke is the carbon particles. Okay. That is dispersed phase is the solid and exposure medium is the air. Right. So, these are all were the questions of chemistry which we had today. Right. Now, let us move to the bio MCQs as well. yeah so today our topic uh, our topic is this one biodiversity for biology okay so here is the first question and do keep a track record also okay how many questions you are able to do out of 10? Okay, so the correct answer of this question is option B. Now the second question. okay so the current option is option d right here is the next question all questions will be from biodiversity topic only Yeah, very good. I think most of you are trying to go in that direction wherein you all can do every question correct. Mm, yeah, just two more. Okay, so I think this is the second question where you all got it correct. Now, the next question. So, the correct answer of this question is invasive species. Right? Here is the next question. Okay, so the option B is correct for this question. Right now, we move on to the next question. Okay, so the correct answer for this question is option A, that is rainfall. Right? Next question now. ऑप्शन सी इज करेक्ट नाव वी मूव ऑन टू दैक्स्ट क्वेश्चन अरे so the correct answer for this question is option a and this is question number 9 and we have one more question to go okay and keep a track of how many questions you have done correct for this topic so the correct answer is option b here okay and this is the last question So the correct answer for this question is uh, option C, that is 1988, right, where the national for uh, this uh, forest policy was enunciated. Okay, so most of you have answered. Fifty percent of those who have polled have answered this correctly, <clears throat> right? So these all were bio questions for today, right? Yeah, these all were the bio questions, and we'll move, move. again. We'll be C.

एस एस बी क्रैक एग्जाम के कोर्स को चेक करना ना भूलें आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं